वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में अनपेड सेलर। ये अनपेड सेलर क्या होता है और क्या उसके राइट्स होते हैं, आज की वीडियो में हम ये सारी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अनपेड सेलर मतलब अनपेड, जिसे पेड नहीं हो वो सेलर, आई थिंक सो यही चीज होनी चाहिए। पढ़ते हैं, अंडर दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एन अनपेड सेलर इज अ सेलर Who has not been paid fully price of the goods sold। मैंने सही assume करा था। ऐसा seller unpaid है, जो मतलब जिस seller ने अपना माल तो बेच दिया but उसके पूरे पैसे उसे नहीं मिले। पूरे पैसे का मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई मैंने 50 रुपए की चीज बेची उसके मुझे 30 रुपए ही मिले, सामने वाले ने बायर ने कहा था कि 20 रुपए बाद में दे दूंगा आपके शुभम सर, और शुभम सर को 20 रुपए दिए ही नहीं, तो मैं वो शुभम सर क्या हो गए, वो शुभम सर हो गए अनपेड सेलर। वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसने अपना सेल करा है, वो सेलर जिसने सेल करा है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रॉपर्टी बायर को, और बायर ने उसकी पूरी पेमेंट नहीं दी, तो उस सेलर को हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, अनपेड सेलर। और इफ ही हैज रिसीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज कंडीशनल पेमेंट द कंडीशन फॉर द सेम हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। मींस अनपेड सेलर, देखिए आज के टाइम पे ये भी चीज हो सकता है कि मैंने कोई भी चेक दे दिया और मेरा चेक बाउंस हो गया, तो वो सेलर क्या हो गया, अनपेड सेलर हो गया। या मुझे, मैं एक सेलर हूं, मैंने कोई भी अपनी कोई भी चीज सामने वाले पर्सन बायर को दी है, उस पर्सन ने, उस बायर ने मुझे चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो मैं भी क्या कहलाऊंगा, मैं भी कहलाऊंगा अनपेड सेलर, क्योंकि सेलर को पेमेंट पूरी नहीं हुई है, अनपेड है अभी सेलर। तो वो सेलर जो अनपेड है वो सेलर क्या होगा, अनपेड सेलर, राइट अगेंस्ट द गुड। अब उसका क्या हक होगा, मतलब जिस सेलर को पैसे नहीं मिले उसके माल के, उसके जो उसने गुड्स दिया है उसके, उस माल के पैसे नहीं मिले पूरे, तो उसके क्या हक होंगे उस गुड्स पे। पढ़ते हैं, लीन। लीन इज अ राइट व्हिच सेलर ऑफ द गुड्स कैन एक्सरसाइज व्हेन अ बायर हैज नॉट पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स। अंडर दिस राइट सेलर हैज कैन रिटेन द पोजिशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली फॉर द बायर। द सेलर कैन रिटेन हिज पोजिशन एज पर सेक्शन 47। अब ये लीन क्या होता है, देखिए अब मुझे कहा पार्टी ने, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा फिर मैं इस डेफिनेशन को भी समझा दूं। भाई मैंने किसी पे सेलर हूं, मुझे बायर ने कहा, ए पर्सन था बायर, ए ने कहा कि सर आप माल डिलीवर करो आपको पेमेंट आ जाएगी। ठीक, मैंने उसका माल बनाया, प्रोडक्ट जो भी उसने मांगा था मैंने उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी, पैकेजिंग करी, सब चीज करी, उसे डिलीवर कर दिया, पेमेंट नहीं आ रही। मैं कहा सर माल डिलीवर हुए हुए एक घंटा हो चुका है, आपकी पेमेंट नहीं आई। कह रहे कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगा वो पेमेंट ही नहीं कर रहा, और जबकि उसने कहा था कि आप पूरा प्रिपेयर कर लो, जैसे डिलीवर करो तुरंत पेमेंट आ जाएगी, नहीं। तो मैंने तुरंत अपने ट्रांसपोर्टर को, जिससे मैंने ट्रांसपोर्ट करवाया था, डिलीवरी करवाया था, मैंने कहा ट्रांसपोर्टर को कि हेलो आप डिलीवर मत करो, आप वापस ले आओ। तो मैंने क्या कर दिया, उसके पास जो डिलीवरी हो रही थी उस पोजीशन को रोक दिया कि मैं माल जब तक नहीं डिलीवर करूंगा, जब तक नहीं दूंगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। तो ये एक अनपेड सेलर का राइट होता है कि वो उस पे, उस गुड्स पे क्या कर रहे, उसे रिटेन करे, उसे रख ले कि मैं नहीं ट्रांसफर कर रहा, मैं डिलीवर नहीं करूंगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टॉपेज। अब स्टॉपेज क्या होता है, व्हेन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कैरियर और द बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट द सेलर हैज राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट In order to protect himself against the loss and may arise due to insolvency। भाई मैंने इसी एग्जाम्पल से समझते हैं पीछे वाला। भाई उसने कहा था, उस पर्सन ने कहा था, बाहर ने, ए ने मुझसे कहा था कि मैं सर आप डिलीवर करो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मुझे पता चला उसकी फैक्ट्री में तो आग लग गई, बायर की फैक्ट्री में, और बायर हो गया क्या हमारा इंसॉल्वेंट घोषित। तो मैंने क्या करा, यार मुझे लॉस ना हो जाए ऑन द वे। देखिए लीन में तो हम, हमारे पास ऑर्डर रखा है जब तक डिलीवरी कर रहा हूं सर कर दो, उसने तब भी पेमेंट नहीं करी, तो लीन में तो हम पहले भी रिटेन कर सकते थे। स्टॉपेज क्या होता है, ट्रांजैक्शन में, मींस कि जो हमारा डिलीवर हो रहा है गुड्स ऑन द, जो हमारा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के वे में हम उसे रोक रहे। अब सर ये आप थोड़ा कंफ्यूजन हो गए, देखिए कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लीन में हम क्या करते हैं, स्टॉक का रिटेन कर लेते, अपने पास रख लेते। लीन में यह भी हो सकता है कि आधा माल जा चुका हो, ये माल जा रहा हो रास्ते में भी हो, तो लीन में ऐसा भी हो सकता है मेरी फैक्ट्री में रखा मैं तब भी नहीं दे रहा, जब तक पेमेंट नहीं आएगी तब तक माल नहीं दूंगा।
बट स्टॉपेज का मींस क्या है? स्टॉपेज में ये है कि जो हमारा माल हो, जो हमारा गुड्स हो, वो चीज क्या हो, ऑन द वे हो, ट्रांजेक्शन में हो, ट्रांजिट हो, कि रास्ते में जा रहा भैया मैंने कहा माल रोक दो, पेमेंट नहीं आएगी, वो सामने वाले इंसॉल्वेंट घोषित हो गया। तो स्टॉपेज और लीन में आपको डिफरेंस समझ आ चुका हो कि वहां हमारा गुड्स हमारे पास भी हो सकता है, ऑन द वे भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, लीन कहेंगे। बट स्टॉपेज में ऑन द वे ही जब हमारा गुड होगा वो क्या कहलाएगा, स्टॉपेज। सेक्शन 50 रीसेल। अब हमारा राइट ये है, सेलर का, अनपेड सेलर का ये राइट है कि भाई सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा, तो भाई मैं उस माल को दोबारा बेच सकता हूं, उस गुड्स को मैं दोबारा बेच सकता हूं। एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज डज नॉट रेजिडेंट द एग्रीमेंट बट रीसेलिंग ऑफ द गुड्स डज नॉट विदाउट हिज राइट्स। द अदर टू राइट्स ऑफ लीन एंड स्टॉपेज वुड नॉट बी मच यूसेज। मतलब क्या है, जो हमारा लीन है और स्टॉपेज है, भाई मैंने माल को अपने पास रख लिया या मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने ट्रांसपोर्टर को कह दिया कि रुक जाओ भैया वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, माल रख लो, गुड्स को रख लो, तो उन माल का मैं करूंगा क्या? जब तक अगर मुझे राइट ही नहीं हो, और ये कंपेयर्ड सेलर को रीसेल का राइट नहीं होगा, जब तक वो उस गुड्स को दोबारा नहीं बेच सकता, तो वो रुक को जो गुड्स को रोक के करेगा क्या? तो सेलर का ये राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट टू रीसेल। एक कंपेयर्ड सेलर जब तक उस गुड्स को दोबारा ना बेचे, तो उसके जो ऊपर के दो राइट्स थे लीन एंड स्टॉपेज वो यूजफुल नहीं होंगे। Because he can only retain the goods under these right till the buyer pays back the money, the unpaid seller can exercise his rights under the following circumstances. कि देखिए जब तक सामने वाला हमारा पे नहीं करेगा, तो हम तब तक नहीं देंगे, तो हमारे तो ये बेकार चीज भी हो। अगर perishable goods है, perishable means कि ऐसा कोई गुड्स है जैसे हम फ्रूट्स की डिलीवरी करें, फ्रूट्स तो कुछ दिन बाद खराब हो जाएंगे ना, तो ऐसे गुड्स को तो हमें रीसेल करना पड़ेगा। तो एक अनपेड सेलर के राइट होते हैं कि वो गुड्स को लीन या स्टॉपेज के बाद उस गुड्स को क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है, मतलब दोबारा उस गुड्स को सेल कर सकता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेलर बिफोर रीसेलिंग द गुड्स नीड टू सेंड अ नोटिस टू द बायर। देखिए एक अनपेड सेलर की ड्यूटी होती है कि वो नोटिस भेजे उस बायर को कि सर आप पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो सर मैं इस गुड्स को बेच रहा हूं, मतलब रीसेल कर रहा हूं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स में नोटिस की नीड नहीं होती, भाई मुझे पता है कि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं उसमें नोटिस वोटिस नहीं भेजते, बाहर तुरंत उस गुड्स को रीसेल कर देते, क्योंकि अगर वो गुड्स खराब हो गया ना ही वो बाहर लेगा ना ही कोई और ले सकता, तो पेरिशेबल गुड्स को हमें नोटिस की नीड नहीं होती। एक अनपेड सेलर को पेरिशेबल गुड्स को रीसेल करने के लिए नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इफ द बायर डज नॉट पे मनी बैक सेलर हैज द राइट टू रीसेल द गुड्स। ये अभी पीछे डिस्कस हुआ था कि अगर अनपेड सेलर को पैसे नहीं मिलते बायर से, तो वो सेल गुड्स कर सकता है। इफ द सेलर फेल्स टू गिव द नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल, ही कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द बायर एंड ही हैज टू गिव एनी प्रॉफिट। तो देखिए क्या है, अगर मेरी इंटेंशन अनपेड सेलर की यार मुझे किसी और ने मतलब पैसे उस चीज के उस गुड्स के ज्यादा दे रहा है, तो मेरी इंटेंशन नहीं है, मेरी इंटेंशन ही है कि मैं उस गुड्स को दूसरे को बेच दूं, उसे ना बेचूं, तो वहां अगर कोई भी डैमेज होता है मुझे, तो मैं बायर से नहीं कह सकता कि आपने अपनी पेमेंट नहीं करी थी, तो आपने पेमेंट नहीं करी उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। अगर मेरी इंटेंशन नहीं थी राइट टू रीसेल की, तो मैं लॉस की रिकवरी फर्स्ट वाले बायर से कर सकता हूं। क्लियर है? चलो एग्जांपल एक और बता देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई भी एक चेयर बनाई है एक फर्स्ट बायर के लिए, फर्स्ट बायर से मैंने कहा सर पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, फर्स्ट वाला बायर पेमेंट नहीं कर रहा। अब मैंने चेयर बना के रखी, चेयर थी 500 रुपए की, वो चेयर मैंने 400 रुपए की बायर टू को बेच दी, राइट टू रीसेल कर दिया, तो 100 रुपए अब भी मैं फर्स्ट बायर से ले सकता हूं, क्योंकि मुझे लॉस उस फर्स्ट बायर की वजह से होगा, क्योंकि मैंने उस फर्स्ट बायर से एग्रीमेंट करा था 500 रुपए की चेयर का, और उस फर्स्ट वाले ने मुझे पे नहीं करा, उसकी वजह से 100 का लॉस हुआ है, तो मैं राइट हूं, मेरे पास राइट है कि मैं उससे वो डैमेज 100 रुपए का ले सकता हूं, किस बायर से, फर्स्ट बायर से। इफ देयर इज एनी लॉस इन रीसेल ऑफ गुड्स ही कैन क्लेम द लॉस फ्रॉम द बायर। अगर कोई भी लॉस होता है सेलर को, वो किससे रिक्लेम कर सकता है, बायर से। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ देयर इज अ प्रॉफिट बायर कैन नॉट क्लेम। अगर मुझे वो 500 रुपए की चेयर 800 रुपए में बिकी, 300 का प्रॉफिट हुआ, तो बायर ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरे लिए बनाई थी तो वो 300 रुपए में से मुझे दो पैसे, तो बायर प्रॉफिट में शेयर नहीं ले सकता, मगर वो लॉस में उसे देना पड़ेगा किसे, सेलर। सेलर गिव राइटफुल ओनरशिप टू द बायर आफ्टर द रीसेल, इट डज नॉट मैटर नोटिस टू रीसेल इज गिवन और नॉट टू डिफॉल्ट बायर। देखिए क्या, अब जैसे मैंने रीसेल कर दिया उसे प्रोडक्ट, तो सारे राइट अब उस सेलर के, वो मेरे जो मैंने वो प्रोडक्ट उसे रीसेल करा है बायर टू को, तो अब उसकी ऑनरशिप पूरी उस पर है, अब डिफॉल्ट बायर उस पर कोई भी राइट नहीं जमा सकता, किस पे, जो मैंने बायर टू को गुड्स दिए।
Sometimes the seller reserves the exclusive right to resell the goods if the buyer makes defaults in payment. In such cases, the buyer cannot ask for profit on resale. If no notice is served, the seller has exclusive right to resale. इसमें क्या कहेगा कि अगर कोई भी हमारा resale में profit होता है, तो हमारा buyer क्या नहीं करेगा? उस profit में हिस्सा नहीं मांगेगा किससे? Seller से. Come to the next slide. Right against seller. तो right against seller में क्या बात हुई है? Right against seller का मतलब है कि यार against seller के against right. तो ये किसके बात हुई? ये buyer के rights की बात हो रही है. बिल्कुल सही. Damage for non delivery. अगर सेलर डिलीवरी नहीं करता तो बायर का राइट होना चाहिए. तो यहां राइट बायर की है कि वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है. रीड आउट करते हैं. सेक्शन 57 स्टेट दैट व्हेनेवर एनी सेलर और रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर मे सू फॉर द नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. इफ द बायर हैज पेड एनी अमाउंट ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर इट. इसमें कहा क्या गया है कि सेलर के पास अगर सेलर ने गुड्स दिए बायर, अगर सेलर ने गुड्स नहीं दिए बायर को, तो बायर के पास राइट है कि वो उस पर केस कर सकता है, सेलर पे स्यू कर सकता है किस चीज के? नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. और अगर मैंने उससे कुछ बायर से पेमेंट भी ले रखी है, तो बायर के पास राइट है वो मेरे से वो पेमेंट रिकवर करे. फॉर एन एग्जांपल, ए बायर है, मैंने उसे डिलीवर गुड नहीं करी, तो वो मुझ पर केस भी कर सकता है नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स की. दूसरा केस क्या है कि ए बायर है और ए बायर ने मुझे 50,000 एडवांस दे रखा है गुड्स का, और मैं नहीं दिया मैंने उसे गुड्स, या मैंने कह दी मैंने डिलीवरी नहीं करी, या मेरी ना डिलीवरी करने के वजह से उसे कोई लॉस हुआ है, तो वो उस लॉस को भी क्लेम कर सकता है और जो उसने पेमेंट करी है उसे भी रिकवर करवाएगा मेरे से, मतलब सेलर से. सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है कि भाई ये राइट्स की तो बात हो रही है, राइट्स अगेंस्ट सेलर, मतलब बायर के राइट्स है. और बात बायर क्या कह रहा है, बायर के राइट्स में क्या है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ओके, यहां बात ये हुई है कि बायर ने कहा है कि कुछ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, बट सेलर ने वो नहीं दी, तो उसके अगेंस्ट भी स्यू कर सकता है. सर कंफ्यूज हो गए, कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? डोंट वरी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं बायर बन जाता हूं, मैंने कहा कि ये मुझे वॉच चाहिए, मैं क्या मार्केट में, मुझे वॉच चाहिए और ये मुझे वॉच ऐसे डेकोरेट करके दो, ऐसे पैकेजिंग करो, एक फ्लावर यहाँ होना चाहिए, एक फ्लावर यहाँ होना चाहिए, अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स के अंदर बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स के अंदर बॉक्स होना चाहिए, और फिर मेरी वॉच निकलनी चाहिए क्योंकि मैं ये वॉच अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रहा हूं. तो मैंने यहां क्या कर दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर दी, किससे? बिल्कुल सही, सेलर से. अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देता तो मैं उस पर केस कर सकता हूं. ठीक है, according to section 58, when the goods are specific or ascertained and there is a breach of contract committed on the part of the seller, then the buyer can appeal to the court of law for specific performance. तब मैं उस पे sue कर सकता हूँ, किस पे? बिल्कुल सही, seller पे. क्योंकि देखो मैंने specific performance मांगी है buyer से और मैंने उसका कहा कि मैं ready to pay हूँ, कि भाई मैं उससे pay करने के लिए तैयार हूँ और वो performance नहीं दे रहा मुझे, तो इस चीज में क्या हो सकता है, मैं उसके ऊपर seller के ऊपर केस कर सकता हूँ. इसमें दूसरा example, मैंने कहा ये मेरा TV है, तो मैंने कहा इसे बहुत अच्छी तरीके से पैक करिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, इसके आगे 3-4 फॉर्म की लेयर लगी है, फिर उसके बाद जो भी आप इसमें गत्ता लगाते हैं, जो भी कार्टून्स लगाते हैं, जो भी चीज़ें, बहुत सेफली पैक करिए. जब मैंने देखा, क्योंकि मैंने कहा ये मुझे डेली ले जाना है एंड ब्रेकर्स बहुत हैं, तो उसकी वजह से कहीं टूट ना जाए, रोड्स में ब्रेकर्स हैं उसकी वजह से मेरा जो टीवी है टूट ना जाए, इसलिए तो सेलर ने क्या करा, ये टीवी को बहुत ज़्यादा पैक नहीं करा, बस एक लगाई और दे दिया और वो टूट गया, ये नहीं भी टूटा. तो मैंने जब देखा यार ये तो एक ही पैकिंग थी, तो इस जगह मैं क्या कर सकता हूँ, वो टूट गया होगा तो मैं उस पे केस कर सकता हूँ, किस पे? उस सेलर पे, क्योंकि मेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने कहा मैं आपको पैकेजिंग चार्ज देने के लिए तैयार हूँ मेरी टीवी के लिए, या मैं ऐसे गिफ्ट बॉक्स के लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, वॉच का गिफ्ट पैक करने के लिए, तो आपने वो चीज नहीं करी, तो हम क्या कर सकते हैं, बायर केस कर सकता है उस सेलर पे. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. थर्ड, सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी. अगर सेलर की वजह से, फॉल्ट की वजह से सेलर कह रहा है कि हाँ भैया ये फोन ले जाओ, ये घड़ी ले जाओ, ये घड़ी सर 2 साल तक खराब नहीं होगी, और 2 साल तक कोई भी दिक्कत है सर मैं खड़ा हूं, मैं इसे सही करके वापस करूंगा. बायर ले गया, 6 महीने बाद बायर की घड़ी खराब हो गई, तो बायर ने कहा कि सर भैया लो शॉपकीपर से कहा, ये आपसे मैं घड़ी लेके गया था, अब इसे चेंज करो, इसमें सेल डालो, मशीन खराब इसकी जो भी हो. सेलर ने कहा मैं नहीं कर रहा सही, मैं नहीं दे रहा वारंटी, तो क्या कर दिया उसने, ब्रीच कर दिया. जो ब्रीच कर दिया उस वारंटी का, तो इस केस में बायर केस कर सकता उस सेलर पे. तो ये लिखा है स्टेट अंडर सेक्शन 59 में हमें राइट मिल रखा है, द बायर कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स
solely on the basis of breach of warranty on the part of the seller when the buyer is forced to treat a breach of condition as a breach of warranty. अब आते हैं सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच. अब ये एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? भाई सेलर ने कहा कि भैया मैं तुम्हें 2 महीने में प्रोडक्ट दे दूंगा ये चीज, तो भैया बायर ने कहा लो भैया 10,000 रुपए एडवांस ले लो, मुझे 2 महीने बाद दे देना. फिर सेलर ने कहा कुछ दिन बाद, मुझे 20 दिन बाद गया, 40 दिन बाद गया कि यार मैं तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पाऊंगा. तो ये क्या करा उसने, जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे क्या करते ब्रीच कर दिया. जो एंटीसिपेटरी ब्रीच मीन कि उसने जो ड्यू डेट आने वाली थी 2 महीने बाद उन्हें प्रोडक्ट मिलने वाला था, 2 महीने से पहले ही ब्रीच कर दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 द रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज वेयर इफ एनी पार्टी रिपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी द अदर पार्टी कैन कंसीडर एज कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंड एंड कैन सू फॉर द डैमेजेस ऑफ द ब्रीच. तो जोन से भी पार्टी ने ब्रीच करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, जिसने भी डिलीवरी वाली डेट से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया होगा, चाहे वो बायर हो सेलर, दूसरी पार्टी क्या कर सकती है उस पर केस कर सकती है. होपफुली आपको अनपेड सेलर एंड अनपेड सेलर के जो राइट्स होते हैं अगेंस्ट गुड्स, या जो बायर्स के राइट्स होते हैं या उसके सेलर के अगेंस्ट में थे, वो सारे ही टॉपिक क्लियर हो. अगर कोई भी क्वेरी है तो विदाउट हेजिटेशन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोबाल टोटू लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे DM करें, मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.